असी हूँ कमेंट्री नू कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले वैडनसडे तक हो चुकी थी, थर्सडे शुरू कर लग्या। थर्सडे पहले साढ़े जिहड़े मैंबर हैं बड़े सीनियर मैंबर है और बहुत वधिया मैंबर हैं डॉक्टर अनुराग जोशी, उन्हों का ना गाना है वरिंदर जी दीवाने का नाम, दीवाने का नाम तो पूछो एन इवनिंग इन पेरिस। तो ये जो दीवाना जी गाना गा रहे ने अनुराग जोशी जी ने, यह बहुत ही साढ़े सीनियर मैंबर जिमें कि विमल जी ने दसिया है और बड़े ही सुलझे हुए इंसान ने। एन ईवनिंग इन पैरिस सारे पता है इस फिल्म का गाना, शंकर जयकिशन का म्यूजिक, हसरत जयपुरी के बोल, बड़ा हिट म्यूजिक सी इस फिल्म का। तो शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर का जिते कंबीनेशन हों, फिल्म सुपर हिट होंगी सी सिर्फ वो म्यूजिक करके। हालांकि कोई मैं देखिए इन्हों की फिल्म कोई इन्नी वधिया स्टोरी इन्नी जान नहीं सी होंदी, लेकिन सुपर हिट म्यूजिक जरूर हुंदा सीगा। तो दीवाने का नाम ना पूछो बहुत वधिया गाया सर, बहुत शानदार सिलेक्शन तुहाडी, बहुत अच्छा, थैंक यू। नैक्सट जी अपने गुरविंदर मठारू जी, मन्नत मठारू। ये मन्नत दा आपां गाना पिछे उत्ता करके बहुत फेमस है, बच्ची ने गाना गाया और बड़ा ही वधिया गाया। लता जी ने इस फिल्म से गाने गाए थे बहुत शानदार, और आप जस्ट इमेजिन नहीं कर सकते कि इन्नी एज भी लता जी की आवाज़ जी इन्नी वधिया आई है। तो बहुत शानदार गाया बच्चे ने, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट जी मनदीप सिंह जी, लता जी का गाया हुआ गाना, दो बदन का, शकील बदाइन का लिखा, रवि जी का म्यूजिक, एक्चुअली फीमेल सोंग है, मनदीप जी ने गाया अपनी आवाज़ के, लेकिन बड़ा वधिया गाया इन्होंने, बहुत अच्छी जो गाने की ट्यून है सुरताल बहुत वधिया गाया इन्होंने। इन्होंने एक सोंग भी मैं ख्याल अज शायद रात में है ना, हाँ मैं एक सगो होर विमल जी ने याद कराया इनफॉरमेशन है कि अज इन्हों का प्रोग्राम मेरे ख्याल शायद शायद जयपुर रेडियो पर है, जयपुर रेडियो नहीं, इन्हों का ऑनलाइन सिंगिंग है, इन्हों का यूट्यूब पर है। ओके ओके, तो सारे असं रिक्वेस्ट करते हैं इन्हों का लिंक असं पावे ग्रुप के, तो इन्हों का प्रोग्राम जिहड़ा सिंगिंग का देखो रात में मिला था 8 बजे, रात 8 बजे है, पा देंगे थोड़ी देर, हाँ देखो तो लाइक करो, बड़ा अच्छा लगता साढ़े ग्रुप का कोई सिंगर जो किसी हायर स्टेज पर गाँव तो बहुत अच्छी गल है। तो प्लीज़ सारे एप्रीशिएट कराया करो, देखिया करो, बड़ा अच्छा लगता, थैंक यू। अगर नैक्सट जी निशित डुडेजा, निशित डुडेजा बुलाडे तो ने, लता दे मैंने प्यार किया मूवी का गाना, बड़ी पुरानी मूवी आई सी और इस फिल्म का भी राम लक्ष्मण का म्यूजिक सीगा, सुपर हिट संगीत सी इस फिल्म का, और एस बी बाला सुब्रमण्यम का गाया हुआ गाना इन्होंने गाया, निशित जी ने बड़े वधिया सिंगर ने, बुलाडे नूं बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छा निभाया, बहुत अच्छा ड्यूट ना सायरन नाल गाया ने स्टार मेकर, तो बहुत अच्छा जी, कीप इट अप। नेक्स्ट जी राजकुमार अमृतसरी, तू मेरे सामने, तू मेरे सामने है, तेरी जुल्फे हैं ढली, तेरा आंचल है गिरा, मैं भला होश में कैसे रहूं। सो रोमांटिक सॉन्ग, सो रोमांटिक, जिन्ना भी इस गाने की प्रेज़ की जाए, रफ़ी साहब ने इन्ना शानदार इस गाने को निभाया, बहुत वधिया और बहुत शानदार तरीके नाल अमृतसर जी, अमृतसरिया जी ने गाने की कोशिश की है इस गाने को, तो बड़ा अच्छा जी, कीप इट अप सर। नेक्स्ट जी रसदीप सिंह खैरा, जिंदगी देने वाले, गया जिंदगी देने वाले,
हसदीप खहरा जी साढ़े ग्रुप के बड़े ही एक असं कह सकते हैं रिनाउंड सिंगर ने और ये भी विमल जी 2012 तो पुराने बहुत जुड़े हुए हैं साढ़े नाल और बड़े अच्छे कुछ जिहड़े साडे सिंगर असी जिन्हां नूं समझदे हां वी ग्रुप दे टॉप सिंगर ने उन्हां दे विच इन्हां दा नाम आंदा। तो एक बार इन्हां ने पहला भी तलत महमूद जी का गाना यह पाया सीगा तो मैं स्पैशली इन्हां नूं फोन करके या मैसेज करके मैं इन्हां नूं कहा मैं कहा तुहाडी आवाज़ बिल्कुल तुसीं पता नहीं इन्हां दी आवाज़ जरूर असी मैं भी एक बार इन्हां नूं यह गल कही मैं तुहाडी आवाज़ कंबन लग गई हुण लेकिन वह कंपकपी है जिहड़ी आ वह तलत महमूद जी नाल बड़ी इन्हां दी जी मिलती है दिले नादां फिल्म है जी और तलत महमूद जी का गाया हुआ गाना इन्होंने सिलेक्ट किया बहुत शानदार गाया अदरवाइज़ रफी साहब के गाने गाते हैं मैक्सीम बहुत शानदार इन्हों की जी अदायगी है रफी साहब के गाने की। तो रसदीप खहरा जी सानू गिला भी है बहुत चिर बाद इन्होंने सौग जो अपना शेयर किया तो रसदीप जी ग्रुप के नाल जुड़े रहो तो अपने गाने इदा ही शेयर करते रहो। थैंक यू। नैक्सट जी रमनदीप कौर चुप कैसे ?1947 आ लव स्टोरी मूवी का गाना है आर डी वर्मा का म्यूजिक कविता कृष्णा मूर्ति जी की आवाज़ बहुत वधिया गाना बहुत ही सॉफ्ट और जावेद साहब का लिखा हुआ इस फिल्म के म्यूजिक बहुत प्यारा म्यूजिक सीगा बड़े सॉफ्ट गाने से ये मूवी के सुपर हिट म्यूजिक सीगा और आर डी वर्मन की यह जी विमल जी ये जिंदगी का एक माइल स्टोन साबित होने जा रही थी क्योंकि उस चेर उन्हों का जोड़ा म्यूजिक बड़ा म्यूजिक नहीं उन्होंने जोड़ा गर्दिश तारे आ गए थे तो बड़ा डाउन चले गए थे। तो मैं एक इंटरव्यू सुन रहा आर डी वर्मन ने इस फिल्म के म्यूजिक तो बाद गल कही सी कि यह फिल्म रिलीज़ हो लैन दो फिर देखना लोग उस तरह ही मेरे घर के सामने कतार ला के खड़न गए मेरा म्यूजिक लैन ले। लेकिन जड़ी बदकिस्मती है कि इस फिल्म के रिलीज़ होने तो पहले ही आर डी वर्मन साहब की डैथ हो गई तो उस लेकिन एक फिल्म का संगीत सुपर हिट सीगा लेकिन वो इस देख नहीं सके तो ये जिंदगी है लेकिन बड़ा ही शानदार गाया इन्होंने बहुत अच्छा गाया। नेक्स्ट प्रेम सेठी जी दीदी तेरा देवर दीवाना सारे नूं पता हम आपके कौन मूवी का गाना और फिल्म का सब तो जो सुपरहिट गाना ही सीगा और प्रेम सेठी जी साडे जिहड़े ने बड़े ही वधिया और इन्हां दी गाने की सिलेक्शन भी एक अलग किस्म की है जिहड़े गाने किसी ने नहीं गाए वो सिलेक्ट करते हैं तो ये गाना इन्होंने सिलेक्ट किया मेरे ख्याल शायद ग्रुप च एक तो छोटे बच्चे ने गाया होए साडी बच्चियां ने तो उस तो बाद इन्होंने सिलेक्ट किया बहुत शानदार गाया इन्होंने तो थैंक यू सेठी मैम थैंक यू जी। नैक्सट जी रणदीप कौर मैडम तुमको देखा तो ही ख्याल है राजपुर साहब की मूवी का गाना जी है मैडम रणदीप कौर ते उन्हां दे हसबेंड ने ड्यूट गाया है मुकेश जी नाल ने और नरेंद्र अरोड़ा जी की जिहड़ी आवाज़ आ बड़ी रिजेंबल करती है मुकेश जी नूं मैडम ने भी बहुत अच्छा गाया तो बहुत अच्छे दोनों दी थैंक यू मैम। नैक्सट जी विशाल पाठक तुमको देखा तो ये ख्याल है जिंदगी
फिर म्यूजिक नाल पाया कि देखा जगजीत सिंह जी की गाई हुई गजल तुमको देखा तो जो ख्याल आया, तो पिछे सितार वज रहा यह जिमें कि सानू पता है कि पाठक साहब इदा ही बिना ही ट्रैक तो यह सिंगिंग करते हैं, लेकिन ऐतकी इन्होंने पिछे सितार की जरूर बैकग्राउंड दी है। तो जिस तरह के असी विमल जी आप गल कर रहे थे कि एक जिहड़ा गीतकार पहला गाना लिखता संगीतकार फिर वो ट्यून बना के उन्होंने संगीत दे नाल सजाता है, तो वह भी एक जिहड़ा है चलो इन्हों की अपनी एक थिंकिंग है इस तरह ही जिहड़े ने बिना म्यूजिक तो पाते हैं, तो लेकिन ऐतकी पिछे इन्होंने जिहड़ी सितार की जरूर एक बैकग्राउंड इस गज़ल में दी है। तो गाते बहुत अच्छा ने कोई शक नहीं, वो क्लासीकल दे जड़े नोन ने बिल्कुल और बड़े अच्छे नवाते ने गज़लों खास करके बहुत अच्छे गाँवते हैं। थैंक यू पाठक साहब। नैक्सट बस थर्सडे कंप्लीट हो गया अपने ये ही थर्सडे जोड़ा सा ग्रुप वो कंप्लीट हो गया, तो नैक्सट असी फ्राइडे के जेडे असी एक्चुअली थोड़ी जी हो रहे भी एक कमेंट्री नहीं असी कर रहे, असी तो जस्ट एक गाने पर बैठ के मैं तो विमल जी विच साडा रिकॉर्डिंग इंजीनियर रोहित पाटिया असी एक गलबात करते हैं, ये असी पहला भी इस समय भी सारे कहा कि कोई इस गलबात शामिल होना चाहे तो जरूर आवे। हाँ जी, कोई अपने घरों भी पाना चाहता वीडियो अपनी कमेंट्री पास हो, क्योंकि यह कमेंट्री नहीं हैगी, जस्ट एक गाने के उपर गलबात डिस्कशन है। थैंक यू।